भारी बारिश का अलर्ट जारी, मलबा आने से कई सड़कें हुई बंद। नैनीताल में नंदा देवी दर्शन को पहुंचे भक्त, लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किए दर्शन। भारी बारिश से नैनीताल जिले में कई सड़कें अब भी बंद, जिले के कई ग्रामीण इलाकों से टूटा संपर्क। हल्द्वानी में भाजपा जिलाध्यक्ष के घर पर रहस्यमय तरीके से हुआ धमाका, धमाके होने के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। पौड़ी के चौबट्ठा खाल तहसील के प्रचंड पोखड़ा की ग्राम सभा दलमाना में सरकार की ओर से जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत एक चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम की ओर से ग्राम सभा की समस्त समस्याएं सुनी गई। इस दौरान चौपाल में 7 समस्याएं आईं, जिनमें से 3 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया और 4 के लिए संबंधित विभाग की समस्या को निस्तारित करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज तहसील चौबट्टा खाल विकासखंड पोखड़ा के राजस्व ग्राम दलमाना में एक चौपाल आयोजित की गई है, जिसमें लोगों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। हमारे सामने लगभग 7 मामले आए, जिसमें से 3 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है तथा 4 जो समस्याएं थोड़ी लंबित प्रकार की थी, उनके लिए हमने संबंधित कार्यदायी संस्था, संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर इन समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ में जो ग्राम सभा दलमाना है, वहाँ का हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया है और जो गांव में जो विकास कार्य किए गए हैं, उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। कुड़ियाल गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान महेश कुकरेती के नेतृत्व में सड़क की मांग को लेकर डोईवाला एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम प्रधान महेश कुकरेती ने कहा कि साल 1986 के बाद से आज तक सड़क का डामरीकरण न होने से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। दरअसल कुड़ियाल गांव देहरादून से मात्र 25 किलोमीटर दूर है और वीवीआईपी विधानसभा डोईवाला के एयरपोर्ट से केवल 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बाद भी कुड़ियाल गांव के लोग विकास से कोसों दूर हैं। वहीं ग्रामीणों ने शीघ्र समस्या से निजात न मिलने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। हमने सरकार को एक ज्ञापन दिया है, हमारी जो मैं ग्राम पंचायत कुड़ियाल से ग्राम प्रधान हूँ और हमारी ग्राम पंचायत कुड़ियाल की जो मुख्य सड़क है वो वन विभाग से होके जाती है और जो सड़क है वो सिर्फ 800 मीटर है और एक किलोमीटर है, लेकिन सन 87 के बाद उस सड़क का कभी कोई डामरीकरण नहीं हुआ है। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी, हमारे क्षेत्र विधायक जी को भी और हमने जिला निर्वाचन आयोग को भी हमने वो दिया है कि अगर हमारी सड़क नहीं बनी तो जो है ग्रामीण जो है अब चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बीते दिन देहरादून पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड सरकार के प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद राज्यपाल का काफिला सड़क मार्ग से राजभवन देहरादून के लिए रवाना हुआ। वहीं राज्यपाल के आगमन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी। देश एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रही है हमारे प्रदेश की, सैन्य परिवारों की बहुलता है, हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। उत्तराखंड के वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं बहनों की वीरता की कहानियां हम सब परिचित हैं उनसे। ऐसे में यहां के बच्चियां सैनिक स्कूल, एनडीए और फौज के लिए
प्रेरित कर राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट का नया अध्याय लिख। उत्तरकाशी में गंगा यमुना टोंस वैली टैक्सी मैक्सी जिला महासंघ के संरक्षक विजेंद्र सिंह रावत ने मानवता की बड़ी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि यमुनोत्री हाईवे के धरासू बैंड तिराहे पर एक असहाय व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था। इस दौरान बीमार व्यक्ति की बिगड़ी हालत को देखते हुए विजेंद्र सिंह रावत ने धरासू थानाध्यक्ष केदार सिंह चौहान से संपर्क किया और तत्काल 108 सेवा को फोन करके टैक्सी यूनियन के चालकों एवं धरासू बैंड पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कांस्टेबल राहुल बिष्ट और होमगार्ड पूरन लाल की मदद से उसे 108 में बैठाकर जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी पहुंचाया, जहां पीड़ित की हालत काफी सुधरे हुए बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में आज धारी ग्राम सभा के ग्रामीणों ने अधूरी बनाई गई सड़क को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मयूख मेहर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 2006 में उनके गांव के लिए रोड काट दिया गया था, लेकिन 15 साल बाद भी गांव को जोड़ने वाली रोड सुरक्षित नहीं है। हालात ये है कि रोड में डामरीकरण तक नहीं हो पाया है, जिस कारण आवाजाही करना खतरनाक बना हुआ है। सारे धारी ग्राम सभा से सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये लोग धारी बड़ा भी धारी मोटर मार्ग जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर उसके रख रखाव से सुधारीकरण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो मोटर मार्ग 2006 में निर्मित हुआ था और 2021 आ चुका है, 15 साल में न उसमें डामरीकरण हुआ है, न उसके गड्ढे भरे गए हैं, न उसमें कोई रख रखाव किया गया है। आज ग्रामीण अगर पिथौरागढ़ आते हैं, बड़ावे आते हैं, जहाँ पर उनका इंटर कॉलेज है, बैंक है, सारी चीज़ें हैं, तो अपनी जान हथेली पर रखकर वहाँ पे आते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना वहाँ पर बनी रहती है। आज अत्यंत व्यथित होकर जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सारे लोग एक होकर अपनी दूर से 35 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए। काशीपुर के नगर और ग्रामीण क्षेत्र के राशन उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह आज पूर्ति निरीक्षक के कार्यालय पर पहुंची, लेकिन इस दौरान पूर्ति निरीक्षक के शहर से बाहर होने के कारण सभी उपजिलाधिकारी से मिले और उन्हें सस्ता गल्ला उपभोक्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने राशन उपभोक्ताओं से प्रार्थना पत्र देने और उनकी समस्याओं के निराकरण की बात कही। वहीं मामले को लेकर उपजिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा ने कहा कि वो अनियमितता बरतने वाले राशन दुकानदारों पर जल्द ही छापा मार कार्रवाई करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राशन उपभोक्ताओं की समस्याओं की पूर्ति के लिए अधिकारी से बात कर उन्हें जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जबरदस्ती बोल रहे हो आप, मुझे आपका परिचय क्या है? आपका परिचय क्या है? ये तो आप यहाँ किस पर्पस से आए हुए हैं? ये पब्लिक के चक्कर में पैसे लूटने का यहाँ पे इन्होंने बिठा रखा है। तुम्हारा मतलब क्या यहाँ पे बैठने का? तुम्हारा मतलब क्या यहाँ पे बैठने का? इसके मतलब ऑफिस वालों ने बिठा रखा है तुम्हें? ये दलाली का काम कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के गुमराह कर रहे हैं, इसके मतलब ही नहीं यहाँ पे बैठने का। मेरा नाम शिवम कुमार वर्मा है, मैं राशन कार्ड के ऑफिस अधिकारी से 6 महीने से मुलाकात कर पा रहा हूँ हैंडीकैप्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए। उनका ये कहना है कि तुम हैंडीकैप्ट नहीं हो, और दूसरे नंबर पे ये कि कुछ रोगों का राशन कार्ड अद्वितीय बनता है। अब मैंने दिया था उनको राशन कार्ड, इन्होंने बना दिया है पीला वाला, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। आकांक्षा वर्मा DM साहब के भी इसमें ऑर्डर है कि कार्यवाही करें, कार्यवाही फिर भी नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं मुझे ये मेरे संज्ञान में आया था कि यहाँ पर लोग बाग रोज़ आते हैं अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड ना तो बनता है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं आज यहाँ पर महिलाओं के को देखने के लिए आई, बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ देखकर मेरा तो हृदय द्रवित हो गया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको दो दो साल हो गए हैं राशन नहीं मिला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, पीले राशन कार्ड दे दिए गए हैं, और जबकि उनकी उनकी जो आमदनी है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ऐसे अब वो बेचारे कह रहे हैं हमारा सफ़ेद कर दो, तो सफ़ेद नहीं हो रहा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो उनको राशन नहीं मिल रहा। लोग उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से बिलख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले महीने मिला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर नहीं था तो पिछले महीने कैसे राशन मिल गया, और इस महीने कह दिया कि राशन नहीं मिल रहा। तो ये सब धांधली चल रही है, इस पूरे दफ्तर में धांधली है, इस पूरे अधिकारी जितने आज अधिकारी से मैं मिलने के लिए आई थी तो अधिकारी गायब हो गए।
देखिए राशन कार्ड को लेके तीन चार समस्याएं जो हमारी जनता को फेस करनी पड़ रही है। पहला, अगर किसी के राशन कार्ड सफ़ेद बने हैं तो वो पीले बने हुए हैं ना, तो जो हमारा फॉर्म है राशन कार्ड का उसमें लोगों में बहुत आक्रोश है। दूसरा जो है, जो क्वालिटी है हमारे राशन की जो सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों पर दी जा रही है उससे भी, उसको भी लेके लोग असंतुष्ट हैं। और तीसरा जो हमारे प्रक्रिया ऑनलाइन की शुरू हुई है कि राशन कार्ड हमारे ऑनलाइन होने चाहिए, उसके बाद ही आपको राशन कार्ड मिलता है, उसमें भी काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर केस बाय केस स्टडी करने की ज़रूरत है। जितने भी लोग हैं जिनकी जो जो समस्याएं हैं उसको हम लोगों ने सुनी है, बाकायदा सभी समस्याएँ पूर्ति अधिकारी को अवगत करा दी गई हैं और कोशिश की जाएगी कि तत्काल इसको एक महीने में जो जो जिनकी समस्याएँ हैं उसको तुरंत निराकरण किया जाए। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।